सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत असल्याची माहिती समोर येत असतानाच आता रेमडेसिवीर इंजेक्शन न मिळाल्याच्या कारणावरून अनेक जणांचा जीव जात असल्याची माहिती समोर येत आहे। काही दिवसांपूर्वीच रेमडेसिवीर इंजेक्शन सोलापूर शहरातील मेडिकलमधून मिळत होते, मात्र या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळा बाजार होत असल्याच्या कारणावरून अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाने थेट कोविड हॉस्पिटलला रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला। असे असले तरी अनेक हॉस्पिटलमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध नसल्याने हॉस्पिटल प्रशासनाकडून रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरून रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यास सांगितले जात आहे। रुग्णांचे नातेवाईक सोलापूर शहरातील सर्व मेडिकलमध्ये फिरूनही त्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नसल्याची तक्रार आहे। सोलापुरातील अशाच एका रुग्णाच्या नातेवाईकांनी इंजेक्शन मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे व त्यांच्या ओळखीच्या एका कोरोनाबाधित रुग्णांचा रेमडेसिवीर इंजेक्शन न मिळाल्याच्या कारणावरून मृत्यू झाल्याचेही म्हणणे व्यक्त केले आहे। आपका नाम? अब्दुल जब्बार सय्यद। क्या परेशानी है? सर कल से मैं परेशान, परसों दिन से परेशान था ये इंजेक्शन के वास्ते। अभी तक नहीं मिली और पेशेंट का इंतकाल हो गया क्या? 32,000 बोले 45,000 रुपये देने तैयार हुए तो भी इंजेक्शन नहीं मिली। पर आदमी मर गया, उसकी 3 बच्चे है, यूसुफ शेख। कौन जिम्मेदार इसका? पेशेंट को क्या बीमारी थी? कोरोना है और पॉजिटिव बताए। ठीक है, फिर प्राइवेट में लेके गए हम। प्राइवेट में ले जाने के बाद इंजेक्शन ढूंढने का 2 दिन लगे, वो आदमी चले गया। कौन जिम्मेदार इसका? अभी दूसरा और कोई है ऐसा आपके? है तो और एक है, काजा दवा खाने के अंदर एक काजा की चिट्ठी। अब इसको इंजेक्शन ढूंढने का ढूंढे दो दिन, कल रात से लेकर फिर रहा हूँ, अभी तक नहीं है। ऑलरेडी कहाँ मिलेगी तुम इंक्वायरी करके बोलो मुझे। कहाँ कहाँ चेक किया आप? कौन कौन से मेडिकल में देखे? हम मेडिकल को देखो, उमा गए, सोलापुर लुगना ले गए क्या, और सिविल चौक का वहाँ भी गए, और गंगापुर हॉस्पिटल पास भी गए, नर्मदा के हॉस्पिटल में भी गए, अश्विनी पास, यशोधरा पास भी गए क्या, वहाँ भी नहीं। ऑलरेडी फिर कहाँ मिलेगी वो बताओ ना हमारे को। मेडिकल वालों का क्या रिप्लाई था जब? नहीं अभी नहीं आया सर, अभी नहीं आया सर, अभी नहीं सर, पूरी रात गई हमारी, अभी तक फिर रहे हो। वो अब्दुल वाह, उनका इंतकाल कब हुआ? यूसुफ भाई का कल रात में इंतकाल हुआ। हाँ, यूसुफ भाई में इंतकाल हो गया, पेट में इंतकाल हुआ। कोरोना पॉजिटिव कब उनका समझ में आया था? जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ आज नई जिंदगी अमन चौक के सोशल वर्कर अब्दुल जब्बार भाई साथ में खड़े हुए हैं। इनका कहना यह है कि प्रशासन के जरिए या फिर मेडिकल के जरिए इनको इंजेक्शन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन दस्तियाब नहीं हुई, जिसकी वजह से इनके एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हुआ और एक दोस्त के वालिद अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको भी सेम रेमडेसिवीर ही चाहिए। तो मार्केट में या फिर मेडिकल में रेमडेसिवीर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैसा रहने के बावजूद भी दवाई खरीद नहीं सक रहे, इंजेक्शन खरीद नहीं सक रहे। तो हमारी लोक प्रधान के जरिए प्रशासन से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द कोरोना पॉजिटिव जितने भी लोग हैं या फिर जितने लोगों आने की पॉजिटिव आने की आशंका है, उसके मुताबिक अपने सोलापुर ज़िले के हद तक, सोलापुर सिटी के हद तक रेमडेसिवीर या फिर कोरोना पॉजिटिव या फिर दूसरे भी जितनी बीमारियां हैं उसके मुताबिक हमने, प्रशासन ने दवाइयों का इंतज़ाम, इंजेक्शनों का इंतज़ाम करना चाहिए। अब्दुल गफूर जुनेद कैमरामैन के साथ।